गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में चकुंदर की क्रीम को बनाना सिखाऊंगी। ये क्रीम बहुत ही असरदार है आपके स्किन को लाइटन, वाइटन और ब्राइटन करने के लिए, और इस क्रीम को लगाने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज्ड और हेल्दी दिखती है और एक बहुत ही अच्छा नाइस पिंकी ग्लो आता है। इस क्रीम को यूज़ करने से आपके चेहरे पर से दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, एक्ने और झाइयों की प्रॉब्लम दूर होती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्पॉटलेस और क्लियर बनती है। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चकुंदर को बहुत ही बारीकी से कस लिया है कद्दूकस की मदद से। चकुंदर को अच्छे से कसने के बाद ये ऐसा पेस्ट आपको मिलेगा और अब हमें इस पेस्ट को छानना है एक छन्नी की मदद से ताकि हमें चकुंदर का जूस मिल जाए। और अगर आप चकुंदर को कसना नहीं चाहते तो आप एक जूसर की मदद से भी चकुंदर का थोड़ा सा जूस निकाल सकते हैं इस क्रीम को बनाने के लिए। तो अब चकुंदर का रस निकालने के बाद अब इस क्रीम को बनाते हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में 2 चम्मच चकुंदर का रस लेना है। अब आपको इसके अंदर 1 चम्मच ग्लिसरिन डालना है। फिर आपको इसके अंदर 1/2 चम्मच विटामिन ई ऑयल डालना है। और विटामिन ई ऑयल डालने के बाद अब आपको इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और एक स्मूथ पेस्ट बनाए। और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है एलोवेरा जेल। और यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल रही हूँ। और एलोवेरा जेल डालने के बाद अब आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और जब तक मिक्स करना है तब तक आपके पास एक स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी की एक क्रीम तैयार नहीं हो जाती। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी ये बीटरूट क्रीम यानी कि चकुंदर की क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी की होगी और इस क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होगी और बहुत ज़्यादा फ्लफी और क्रीमी कंसिस्टेंसी की ये क्रीम बनेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही इजी है। आप इस क्रीम को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये क्रीम 100% नेचुरल है और 100% इफेक्टिव है आपकी स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग में। ये क्रीम आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करती है और आपकी स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाती है। इस क्रीम के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन लाइटनिंग, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग में मदद करते हैं। ये क्रीम आपके डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन को भी रिमूव कर देती है और आपके सन टैन, सनबर्न को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ इसको अच्छे से अपनी स्किन पर लगाना है और जेंटली 30 से 40 सेकेंड के लिए मसाज करना है सर्कुलर मोशन पे अपनी स्किन पर। और अच्छे से मसाज करने के बाद इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो इसको 2 बार इस्तेमाल कीजिए, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज़ देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोज़ की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।